सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हार तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा कि आप इतने ठंडे क्यों हो, बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात पे रखूं। आज का पंचांग 3 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 11:07 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 7:57 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर रात्रि 1:24 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मेष राशि 3 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार, प्रकृति में समय बिताने से आप तनाव और नुकसान की भावनाओं से छुटकारा पा सकती हैं। अपने माता पिता और बच्चों की जरूरतों को पूरा करें। याद रखें परिवार सबसे पहले आता है और धन के मुद्दे इंतजार कर सकती हैं। अपने विचारों और प्रेम को करीबी लोगों के साथ शेयर करें। संचार के विभिन्न तरीके आपको व्यस्त रखेंगे, बस दूसरों से बात करते समय शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे। हम किसी गलत इंसान से प्रेम कर सकते हैं, गलत इंसान के लिए रो सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, हमारी गलतियां हमें सही इंसान तक पहुंचने में मदद करती है। आप आज अपने परिवहन के साधन से परेशान हो सकती हैं। अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है तो अपने लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था कर ले और कोई बैकअप योजना तैयार रखें। आज आप किसी भीतरी उलझन से परेशान हैं, लेकिन शांति बनाए रखें। यह समय जल्द ही बीत जाएगा, परिवार के साथ समय भी बिताएं। आपका दानशीलता का व्यवहार आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपको शक, अनास्था, लालच और आसक्ति जैसी खराबियों से बचाएगा। व्यापार को मजबूती देने के लिए आज आप कोई अहम कदम उठा सकती हैं, जिसके लिए आपका कोई करीबी आपके आर्थिक मदद कर सकता है। आपके दोस्त आपको ऐसे वक्त पर धोखा दे सकते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। आपकी ईमानदार और जिंदा दिली प्यार में जादू करने की ताकत है। इस राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में अनावश्यकता से अधिक बोलने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारियों को किसी पुराने निवेश की वजह से आज घाटा होने की संभावना है। आपके घर वाले आज आपसे कई परेशानियां शेयर करेंगे, लेकिन आप अपनी ही धुन में मस्त रहेंगे और खाली समय में कुछ ऐसा करेंगे जो करना आपको पसंद है। आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। आज दिन भर घर के रखरखाव या नवीनीकरण संबंधित गतिविधियों में व्यस्त रहेगी और सभी काम सुचारू रूप से संपन्न हो भी जाएंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई मार्गदर्शन मिलेगा तथा जीवन तथा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे। मेहमान नवाजी करने में आनंद आएगा। अगले कुछ महीनों में जो लक्ष्य हासिल किया जा सकता है उस पर ध्यान दें। कमाई बढ़ाने में ध्यान दें। आपके काम में जो बाधा आ रही है उसे समझी तो जल्दी समस्या दूर हो सकती है। आपको अपनी समस्या दूर करने के लिए प्रयत्न करने होंगे। काम में आपकी रुचि बढ़ेगी, दूसरों को प्रेरणा भी मिलेगी। रिलेशनशिप से जुड़ी बातों को नकारात्मक तरीके से ना लें, सकारात्मक रहेंगे तो बेहतर रहेगा। सेहत में सुधार के लिए प्रयत्न करने होंगे। कुछ खास लोगों से संपर्क करने में सकारात्मक बदलाव आएगा। अपने काम के लिए अधिक जागरूक होना और एकाग्रता रखना आपको सफलता दिला सकता है। किसी पर ज्यादा भरोसा न करें और अपनी योजनाओं पर काम करें। सावधानियां, लापरवाही न करके हर गतिविधि में सचेत रहना ही जरूरी है।
लापरवाही ना करके हर गतिविधि में सचेत रहना भी जरूरी है। आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी, इससे मैं अपने बजट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर ले तो उचित होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में व्यवस्थित और सुखद माहौल रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से पुरानी खुशनुमा यादें भी ताजा होगी। मन की शांति अभी आपकी प्राथमिकता है। माँ या माँ की तरह किसी स्त्री का साथ आपके लिए मजबूत स्तंभ की तरह है। अभी आपका जीवन खुशहाल है और इसे ऐसा ही बनाए रखने के लिए आप दोनों को प्रयास करने होंगे। घर के बच्चों के लिए संकट का समय हो सकता है अपने दिल की बातों को बताने के लिए। आज के दिन सबसे शुभ है। किसी खास अवसर में नए संबंध बनेंगे। अपने साथी को प्रभावित करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। घर पर कोई रोमांटिक फिल्म देखना या उसके पसंदीदा गाने सुनना भी आज आपका दिन बना सकता है। बस पॉपकॉर्न तैयार रखें। माहौल मस्ती का है। आपकी मुलाकात काफी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। आप उसके साथ मददगार समय बिताएंगे। सितारे आपके पक्ष में हैं। यह आदमी आपका साथी करीबी बन सकता है। अभी के लिए अपनी काम संबंधी सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक एक पल का आनंद लें। आपको कई नई बातें भी पता चलेगी। बात करते हैं करियर की। आज उन परियोजनाओं पर एक अच्छी शुरुआत करें जिनको लंबे समय से आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आप एक सफल भविष्य के लिए अच्छी नींव बिछाने में बस एक कदम दूर हैं। चीजों को आसान तरीके से लें और बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें। अपने काम को करने के लिए दूसरों पर भरोसा ना करें। जो उचित है उस विचार को रखने में आप जरा भी ना घबराएं। आज शिक्षा में आया व्यवधान आपको प्रभावित करेगा और आप अपनी शिक्षा को पूरा करने के बारे में सोच सकती हैं। शांति भरे इस दिन में आप नई आदत या शौक विकसित करने पर भी विचार कर सकती हैं। अधिकारों के बारे में जानें और सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें। आपके विचारों में स्पष्टता के कारण आपका जीवन रचनात्मक है। रचनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा समय है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले योजना बनाएं, उसके बाद प्रयास करें। प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए मार्केट प्लान को समझी अच्छा करें, इससे आपके साथ भी अच्छा ही होगा। लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है, इसीलिए पूरे मनोयोग से कारोबार पर ध्यान दें और समय पर कार्य पूरा करने की कोशिश करें। तरक्की के भी योग बन रहे हैं। क्लाइंट के साथ वाद विवाद में ना पड़ें। सरकारी नौकरी में कोई विशेष कार्यभार भी मिलेगा। बात करते हैं सेहत की। आप किसी भी स्थिति के लाभ हानि के बारे में अच्छी तरह नहीं सोचते हैं। जो कुछ आपके रास्ते में आ जाता है उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। आपकी ग्रहों की स्थिति ऊर्जादायी है। इस ऊर्जा का प्रयोग अपने रास्ते में आने वाले एक अवसर को समझने के लिए करें। अपने स्वास्थ्य से शुरुआत करें। तले भुने खाने से बचकर रहें और अच्छी नींद लें। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। सबसे पहले देवी माँ को पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।